हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज गुलाबी नगरी की सुंदरता देखते हुए चलेंगे हम हवा महल। यहाँ पे सभी बिल्डिंग, घर, दुकानें गुलाबी रंग से रंगी हुई है, इसीलिए जयपुर को गुलाबी नगरी बोला जाता है। जयपुर का मार्केट घूम के अब हम पहुंच चुके हैं हवा महल, और यूनेस्को ने इसको 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। और हवा महल को जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। और हवा महल में दो चौक है और 5 फ्लोर है। और कहीं दूर से अगर इसको देखें तो ऐसा लगता है कृष्ण जी का मुकुट हो। फर्स्ट फ्लोर पे आज भी कठपुतली का शो होता है। बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। हमने तो बहुत देर देखा, हमको बहुत मज़ा आया। दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर से व्यू तो बहुत ही अच्छा लगता है और फोटोज़ और वीडियो लेने का भी बहुत ही मज़ा आता है। हमने भी यहाँ बहुत ही फोटोज़ ली और इंस्टाग्राम के लिए रील्स भी बनाई। जैसे जैसे हवा महल में ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हवा और तेज़ और ठंडी होती जाती है, और इसी कारण इसको हवा महल कहा जाता है। हवा महल के जस्ट सामने दो कैफे हैं, एक है विंड व्यू कैफे और दूसरा है टैटू कैफे। और हवा महल के दूसरी तरफ है जंतर मंतर, जो कि सवाई जय सिंह सेकंड ने 1734 में बनवाया था। और जंतर मंतर को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर रखा है। और टॉप पे आने के बाद पूरे जयपुर का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। तो अब यहाँ से चलते हैं टैटोज कैफ़े, और वहाँ से भी कुछ अच्छे वीडियोस बनाएंगे हवा महल के, और फ़ोटोज़ लेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। तो दोस्तों, ये था जयपुर सीरीज़ का 3rd ब्लॉग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।